दोस्तों, दिख रहा है आपको टैक्सी मार्किंग और एब्नॉर्मल मार्किंग जो टॉप से लिया गया है, क्योंकि ये नीचे से ले नहीं सकते थे इतना पूरा अच्छा, जितने अच्छे से मार्किंग नहीं आ पाती। तो आपको देख रहे हैं ये प्लेन की मार्किंग हो चुकी है, स्टॉप लाइन भी है हमारे पास, और इसके बाद ये सारी लाइनें पूरी पूरी मार्किंग हो चुकी है। ठीक है, देख रहे हैं ये प्रॉपर तीन प्लेन के स्टैंड के लिए है। क्रॉस दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा आपको, एब्नॉर्मल मार्किंग हो चुकी है पूरी। देखिए इसमें भी दिख रहा है, जो राउंड राउंड दिख रहा है वो हमारे पास प्लेन को मूवमेंट के लिए होता है, वो हम मूव करेगा। ठीक है, जहाँ पे ये टी टाइप बना हुआ है, ये लास्ट पॉइंट है, ये स्टॉप पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये एप्रन्स के बाद जब इसे हमारे पास ये एप्रन्स जाते हुए ये टैक्सी जो जा रही है पूरा, ठीक है, ये लगभग 700 मीटर की टैक्सी है हमारे पास, ये टैक्सी के थ्रू जाते हैं। देखिए लास्ट पे दिख रही है जो बाउंड्री के पास ट्रॉली गेट है, ट्रॉली गेट के बाद सीधे वो हमारे पास जो ये टैक्सी जा रही है, सीधे जा रही है। इसे देखिए एक टी पॉइंट दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है, मैं ऑब्जर्व कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियर आपको, जो टी पॉइंट टाइप दिख रहा है आपका रनवे में, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, क्लियर दिखेगा आपको। देख रहे हैं आप ये यहाँ से रनवे हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास ये टी पॉइंट, जहाँ पर टी पॉइंट मिल रहा है यहीं से हमारा ये रनवे स्टार्ट होता है, फिर ये रनवे सीधे चला गया। ये एयरफोर्स का एरिया है, वहाँ पे कोई वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं, ये बाउंड्री के उधर। ठीक है, हमारी टैक्सी एज की लाइटिंग भी सारी इंस्टॉल हो चुकी है, टेस्टेड भी हो चुकी हैं। ठीक है, और हमारे पास होल्डिंग पॉइंट की मार्किंग भी हो चुकी है। देखिए मैं दिखाता हूँ जो होल्डिंग पॉइंट की मार्किंग आपको, ये ट्रॉली टाइप दिख रही है ना, उसको रेड कलर के यहाँ पे ये होल्डिंग मार्किंग बनी हो चुकी है, इसके साइनेज भी लग चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा एप्रन मार्किंग एंड टैक्सी मार्किंग और साथ में जो एज लाइट है वो भी सारा काम हो चुका है इधर का। और ठीक है दोस्तों, ये एप्रन की हाई मास्ट लाइट है। ठीक है दोस्तों, दिख रहे हैं दो तीन हाई मास्ट हुई है हमारे पास, जेसी एरिया भी है हमारे पास जो कनेक्टिंग रोड है साथ में। ठीक है, अभी जो बीच में उधर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो फ्यूचर स्पेस के लिए बचा हुआ है हमारे पास एरिया, फ्यूचर में जो भी अपन बनेगा अभी आगे।